मऊ जनपद के दोहरी घाट में सावन के महीने में भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहता है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच दोहरी घाट कस्बे में रामघाट पर शनिवार को घाघरा नदी में 53 किलो वजन चांदी का शिवलिंग मिलने को लोगों को चमत्कार हो रहा है। शिवलिंग की अलौकिक होना भी बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार दोहरी घाट कस्बे में भगवानपुरा निवासी राममिलन साहनी शनिवार को नदी के किनारे बर्तन धुल रहे थे, तभी उन्हें नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राममिलन साहनी ने पास जाकर देखा तो चमकती हुई चीज शिवलिंग थी। नदी में चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई और लोग काफ़ी मात्रा में वहाँ पर जुट गए। राममिलन साहनी ने शिवलिंग को नदी में निकालकर नदी से बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद शिवलिंग को दोहरी घाट थाने में सौंप दिया। समाचार लिखे जाने तक शिवलिंग थाने में रखा हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने इस 53 किलो के चांदी के शिवलिंग की कीमत लगभग 35,000 रुपये आकी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने संपर्क किया कि उन्होंने बताया कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, थाने पहुँचने पर शिवलिंग देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, आज शाम दोहरी घाट थाना क्षेत्र में एक शिवलिंग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज शाम लगभग 3:30 बजे कई लोगों द्वारा जो घाघरा नदी है जनपद मऊ के अंतर्गत थाना दोहरी घाट क्षेत्र में, वहां पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी, जिसके कारण वहां पर 5 मल्लाह जिनके नाम राममिलन पुत्र स्वर्गीय स्वामीनाथ एवं मन हैं, उनको बुलाया गया। उनके द्वारा जब उस वस्तु को बाहर निकाला गया तो ये एक शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी कौतूहल का विषय ये बना रहा। इन शिवलिंग को ससम्मान थाने पर लाकर थाने के मालखाने में रखा गया है विधिवत पूजन कराकर, और वहाँ के जो सम्माननीय लोग हैं, जो श्याम जी पुजारी जी जो इनको लाए थे, और अन्य लोगों के समक्ष इसका तौल कराया जा रहा है, ज्वेलर को बुलाया जा रहा है और उससे पूरी जाँच कराकर इसको ससम्मान थाने में रखा जा रहा है। जो अन्य विशेषज्ञ एजेंसियाँ हैं उनसे भी जाँच कराई जाएगी कि ये आखिर शिवलिंग किस क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर इसके पीछे का मामला क्या है। पूरी जांच कराकर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यदि कोई अन्य बात नहीं आती तो जो थाना क्षेत्र के लोग जिन्होंने इसे प्राप्त किया है उनको विधि अनुसार इन्हें सुपुर्द कर जो भी स्थापित इत्यादि करने की प्रक्रिया है वो कराई जाएगी, लेकिन पहले इसमें सभी विशेषज्ञ एजेंसियों से जाँच कराई जाएगी। धन्यवाद।